ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई खासी होंगे। अरे मेहमान तो सारे खासी होते हैं हीरा, लेकिन हम उनकी सेवा करते करते साला आम और गुठली बन जाते हैं। अरे भुलवा, क्या तेरा बच्चा रो रहा है और तू भेड़ों को फुदका रही है? क्या करूं, अकेली हूं, का का संभालूं? अरे लामक, हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जाकर के बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही है। इडियट्स, हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोले था? अंग्रेजी में तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटा लेना। अभी हटाता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग भेड़ हाँक रहे हो या नई नवेली दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को सिनेमा कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये काम कुमार या रंगरूटी कर सकते हैं, देखो मैं कैसे हाँकता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं, वेल समा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहाँ रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है, ये रास्ता भरतपुर जाता है? ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है, हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहाँ जाकर दो भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट, एक मिनट, उधर से मत जाना, आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, वापस 10 किलोमीटर जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, सामने भरतपुर होगा। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड, ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छड़ ने गधा कहा, मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। हाय नरेन। करण साहब, ही इज माय यंगर ब्रदर। बर नमस्ते। हाय नरेंद्र। मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, इसलिए आज नहीं आ पाए, कल तक आ जाएंगे। बाय द वे, ये है मेरी बहन राधा। नमस्ते। करण साहब नमस्ते। और आप हैं मेरे अंकल, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त। अच्छा। रिटायर्ड मेजर रंजीत सिंह। हाउ डू यू डू? हेलो। आइए सर, वेलकम। आइए प्लीज, आइए। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, दो बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए, आइए प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ जी भैया। ए गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे, चल बस। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। यह है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। मुझे पता है तलवार है, चाकू इतने बड़े नहीं होते, भाई से मुझे निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं। जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है, आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए इधर घूमो, चेहरा इधर करो, पूरा घूमो, पेपर हटाओ।
तुम लोग, अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं, देखिए ठाकुर साहब को कुछ मत करिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो, तुम भी। मैं भी। ठीक है ठीक है, अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मैं सजा जगाती हूँ। ले इधर आओ, इससे रनी लॉन्ड्री, मेरा मतलब इस्त्री वाला है। नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री ही बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़, ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं। अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है, मोची। ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं। हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था, हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री के हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना। हाँ अब तो हो गए। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी बखलोल, अबे तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। मैं मिंदर विंदर छछुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बखलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इसी निकला के लिया। ले देखता क्या है, तो जाना पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं। हाँ और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों, मिनरल वाटर से। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना साला भिखारी, जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो वो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, ये नहीं चलेगा हीरा। बस मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं, तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, बस फॉरवर्ड। क्या करे अंकल, फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? अलग मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे इस्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहा है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत था, जमीन पे गिर गया, गरम कोयले की इस्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। हा? सारे कपड़े जल गए, बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ, इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया लंच। अबे दोनों दिन भर खाने खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते। क्या बोला? अड़बड़ मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर। गधा। अरे सॉरी। क्या बोला? सॉरी। क्या बोला इसका? हां सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो क्या कर रहा है? नकली है। अच्छा अब करो। मालिक, उस तेरी काफी जवानी जोश में आई। ये गरीब भिखारी दो दिनों से भूखा है। अरे क्या मुझ
पैसा डालिए मालिक, लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है, इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए, भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया, कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है? नहीं, नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया भिखारी ने। मालिक इनको बुला, बुला रही है। अरे अरे कहाँ है? आपके लिए चीनी कितनी डालूं? थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। जी ना अंकल। हीरा जी, सामान लेकर आओ। जी अच्छा, चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे, तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो, मैं उठाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ये सामान उठाओ, लाओ। तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? तो संदीप जी, जैसा आप कहें पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा ले? हाँ हाँ पंडित जी, बोलिए कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर ले। ठीक है, बहुत बेहतर। सुनो, हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस मां, बस एक और आ करो। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता मां, इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। मां मां, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए।